दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्पेशल मुलाकात करेंगे श्री रणधीर सिंह जी से, जो कि दंदियान डेयरी फार्म के मालिक हैं और काफ़ी सालों से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी सूझबूझ से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे आज पूरा डेयरी फार्म का, कैसे ये रखरखाव करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि इन्होंने डेयरी फार्म गायों से शुरू किया था और अब ये सिर्फ भैंसे ही रखते हैं, तो जानेंगे इसका क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ये जी मैंने 2012 में इंग्लैंड में गया हुआ था, 6-7 साल लगा के आया था, तो मैंने गाय का फार्म शुरू करा था। तो जब मैंने 3-4 गायें शुरू में ली तो मेरे पास 20-25 गायें हो गई थी, लेकिन जो हम दूध डालते थे वीटा डेयरी में, तो उन्होंने पहले 30 फैट का लेते थे कम से कम, और फिर उन्होंने 32 फैट का कर दिया, और बाद में उन्होंने फिर 35 फैट मिनिमम कर दिया। तो हाँ, जो गायें हैं वो 30-45 फैट के बीच में होता है उनका दूध, तो इसलिए जो गायें हैं कभी कभी 33 या 34 फैट हो जाती थी, तो इसलिए वो ऑफ रेट हो जाता था। तो अगर जैसे पानी का रेट है 20 रुपये है, तो दूध 14-15 रुपये लगता था, तो ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम थी जो गायें हैं, वह अगर 10 गायें हैं उनमें से 2 या 3 गायें तो रिपीट होती थी, और रिपीट होती कभी ऐसे थे भी बिल्कुल भी नहीं ठहरती, तो जो हमारी पूंजी थी वो उनमें चली जाती थी। अच्छा, मतलब पूरा जो जो 3 कम से कम 1-1.5 लाख तक की ये गायें थी मेरे पास, तो जो पूंजी हम कमाते थे उन गाँव में चली जाती थी, तो इसलिए मैंने गाय का पहले ये छोड़ दिया और फिर भैंसों का शुरू किया। और ये सभी मेरी भैंसें 16 से 20 लीटर के बीच में, क्योंकि हम 16 से नीचे रख ही नहीं सकते। 16 से नीचे अगर रखेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं देंगी, क्योंकि ये हम जब ये 5 या 6 महीने की हो जाती हैं, गैबन हो जाती हैं, तो तब भी ये 8 या 10 लीटर दूध देती हैं। तब भी 8? हाँ, तो ये हमारा कुछ भी नहीं खाती, मतलब जो खुद ही पूर्ति करती है। तो आप कितना फैट आ रहा है इनका दूध का? इनका आ रहा है जी 70 से 85 के बीच में, 70 से कभी कम नहीं आता इनका फैट। हाँ, तो हमें इसे जो ये बुल है हमें अपना ही रखा हुआ है, बुल से पहले हमें प्रॉब्लम हुई 1 साल। अच्छा, क्योंकि हमें पता नहीं था बिल्कुल, ये मैं भैंसे भी रिपीट हो जाती थी, पर जब से मैं हमने खुद का ये बुल लिया है तो उसके बाद कोई भैंस रिपीट नहीं हुई, एक भी भैंस रिपीट नहीं हुई। फिर साथ में कुछ आप मिनरल मिक्सचर वगैरह भी देते हो? हाँ, ये डेली देना पड़ता है जी, जो मिनी मिक्सचर है इसको हर रोज़ देना पड़ता है, जैसे CRS का है हम 20 ग्राम देते हैं, और अगर और ये जो एग्रीमीन है वीर बैक वालों का, और ये 50 ग्राम देते हो, तो ये इसका 100% रिजल्ट है जी, बढ़िया रिजल्ट। हाँ, अगर वो नहीं देंगे तो तब भी इसके मैसों के बच्चादानी में किसी में कमी हो सकती है। अगर ये आप रूटीन में दे रहे हो तो आपको कोई भैंस में कोई भी कमी नहीं आ सकती, ना दूध में कमी आ सकती, फुल दूध देंगी वो। हाँ, ये मिनी मिक्सचर यूज करना बहुत ज़रूरी है। पहले साल मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने ये सारा कन्फर्म किया, पता लगा, फिर उसके बाद हमें बिल्कुल अभी 16 से 20 लीटर तक दूध देती हैं। हाँ, तो फिर आपकी कोई 20 किलो 18 किलो में पास? हाँ, पास हुई है हमें ये भैंस, हमें पास हुई है। अब भी 3 भैंसें पास होनी थी, लॉकडाउन के कारण अब भी नहीं हो सकी और पिछला साल भी नहीं हो सकी। हाँ, ये भी 20 से 21 लीटर दूध वाली है। तो आपके हिसाब से मतलब भैंसे रखने का ज़्यादा? हाँ, भैंसे, क्योंकि जिसके दूध की सप्लाई हम गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, और जो हमारे लोकल गांव हैं और छोटे शहर हैं, ये गाय का दूध पसंद नहीं करते, बड़े शहरों में यूज होता है। गाय का दूध तो सिर्फ वीटा डेयरी वाले ही ले सकते हैं यहाँ से, वीटा डेयरी। हाँ, और वही हमें प्रॉब्लम आती थी, तो उसी के कारण हमें ये छोड़ा वीटा डेयरी वालों की वजह से, क्योंकि उनको मिनिमम फैट 35 कर दी गई, तो कभी कभी जो 34-33 फैट आ जाते थी तो ऑफ रेट होता दूध का। तो आप इनको चारे में क्या देते हैं? चारे में जी हमें चार पाया हुआ पूरा चार साल पाया हुआ। हाँ, मक्के का चार? हाँ, ये मक्के का चार है जी, और ये उसमें फ़ायदा भी नहीं जी, अगर हम बरसीन बोते हैं या चरी बोते हैं उससे दूध भी बाद ऑफ हो जाएगा जी, इससे साइले से आपको अच्छा रिजल्ट। हाँ, अच्छा रिजल्ट है जी, दूध कभी भी जैसे इतनी गर्मी होगी जी, गर्मी में कोई दूध कम नहीं होगा, और ये फुहारों का सिस्टम है जी, इनको गर्मी हम लगने ही नहीं देते। हाँ, गर्मियों में खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल जी, तो ये दूध कम नहीं होता जी, वैसे तो मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैसों में। हाँ, लेकिन जी दूध कम हो जाता था, अब नहीं होता जब से अब जब से ये अचार देना शुरू किया है और ये फुहारे हैं जी। तो काफ़ी पशुपालक भाइयों का एक प्रश्न होता है कि भैंसों को हमें साइलेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये आपके सामने एक सीधा उदाहरण है
कि हमें भैंसों को अचार देना चाहिए। हाँ जी, और ये बहुत कम, आप देखो जी, कम से कम 5-7 किलो ये इतना ही पाते हैं हम एक टाइम इनको, और उसी में रज लेती हैं ये साइलेज में। हाँ, साइलेज में। अगर हमें और घास तो उसे 4 गुना ज़्यादा डालना पड़ता है। 4 गुना ज़्यादा डालना पड़ता है। और साथ में सूखे में क्या देते हो आप इनको? सूखे में जी ये तूड़ी देते हैं। तूड़ी देते हैं। ये उसमें 4 में नाम मात्र होती है जी। फिर तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। बहुत सस्ता जी, बहुत सस्ता जी। हमें बाढ़ने की प्रॉब्लम खत्म होगी जी, जो हमें बरसात में बाढ़ना पड़ता है, नौकरों की प्रॉब्लम खत्म। मिलता भी नहीं हरा? नहीं जी, मिलता जी। और ये नौकरों की प्रॉब्लम, कम से कम इसी काम के लिए जी हमें 3-4 नौकर चाहिए, जब अभी कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं और एक मेरा नौकर है, यही काम करते हैं। अगर हम 50 भैंस होंगे उनका भी काम चला लेंगे। ठीक है। हाँ, तो नौकरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, तो वो इससे नौकरों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है जी। जैसे आपके पास 30 पशु हैं इस टाइम, 30 भैंसे हैं, छोटे बड़े मिला के? नहीं जी, 35 है। 35 है। हाँ, तो आपके पास 35 पशु हैं टोटल, तो उसके लिए आपको कितने किले के अंदर मक्का लगा के उसका अचार बनाना पड़ता है? हाँ, हमें जी 6 किले का अचार पाया है, और ये पूरा साल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा साल? हाँ, बरसीन की ज़रूरत नहीं है, और हमें चरी या किसी चीज़ बिजाई करने की ज़रूरत नहीं है जी, पूरा साल के लिए। पूरा साल? हाँ। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा कि वो खुद ही भी अपने मक्का का अचार पाएँ, और उससे ही बेनिफिट है, उससे आपका गर्मियों में दूध नहीं घटेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है गर्मी के 4 महीने होते हैं उनमें दूध हाफ हो जाता है। अगर आप अचार यूज कर रहे हैं तो आपका दूध हाफ नहीं होगा, जितना दूध सर्दी में देती हैं उतना ही दूध गर्मी में देंगी, सेम दूध देंगी, इसमें कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, और ये हम सुबह और शाम 2 टाइम ही घेरते हैं इनको। हाँ, ये सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। अच्छा, एक समस्या जैसे भैंसों में आती है कि हम मिल्किंग मशीन नहीं लगा सकते इसके ऊपर। हाँ, तो इसके लिए लेबर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो मैं भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि लगाते नहीं जी, भैंसे लगवाती भी नहीं, लगवाते नहीं जी। हाँ, लगाती नहीं। हाँ, इसकी आती है जी थोड़ी प्रॉब्लम फिर दूध निकालने की। जैसे आपके पास इस टाइम दूध में कितने पशु हैं? मेरे पास जी 14-15 ऐसे यहाँ भी दूध देती हैं जी। उनके लिए कितने फिर मतलब लेबर के लिए कितने? ये जी हम 2 जने निकाल देते हैं जी। 2 जने निकाल? हाँ, 2 जने सुबह शाम जी। ठीक। हाँ, और आप खुद भी निकालते हैं? हाँ, खुद निकालता हूँ जी मैं, क्योंकि खुद लेबर ही बचती है इससे। लेबर ही बचती है देखा जी, लेबर टाइम पे कभी मिलती भी नहीं। बिल्कुल नहीं जी, ये इसको ये खुद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खुद ही ध्यान रखना। हाँ, अगर हम खुद नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कितना पशु रोज दूध देता है। एक वो है जी, जो भी पशु में हर रोज दूध को नापता हूँ जी, अगर उसका 100 ग्राम कम हुआ तो पता होता है इस मैस का 100 ग्राम कम हुआ और इसका 100 ग्राम ज़्यादा हुआ। आज तक कभी भी नहीं निकाला बिना तोले जी, डेली इसका नाप तोल होता है, डेली नाप तोल डेली हर मैस का। और हमें रोज ही उस वहाँ ऐड करते हैं, रिकॉर्ड बनता है जी भाई कितना आज इसने दूध दिया। देखो, क्योंकि जी अगर हमें तोलेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। अगर एक मैस का आधा किलो दूध कम हुआ तो हमें पता है भी कम हुआ तो क्यों हुआ, क्यों कम हुआ, तो हम उसका देखेंगे भी किसके कारण कम, कैल्शियम कम है या किसी इसको और कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए हर रोज़ हर मैस का दूध ही तोलते हैं। देखो, ये डेयरी फार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें नुकसान ना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। इन्होंने हर भैंस का, हर पशु का रिकॉर्ड रखा हुआ है, कितना दूध देती है और क्यों कम हुआ, अगर कम भी हुआ तो, और कितना फैट आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये सबको इस चीज़ से ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें भी अपने हर पशु का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक भैंसों के डेयरी फार्म की बहुत ही बढ़िया जानकारी जो हमें श्री रणधीर सिंह जी से मिली। रणधीर सिंह जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, आप इतनी दूर से यहाँ आए और आपको ये जानकारी मिली है। सब किसान भाइयों को जानकारी मिलेगी और प्राप्त होगी, शायद उनको भी फायदा हो इस चीज़ का। बिल्कुल फायदा होगा। हाँ।